हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह सौरभ डॉग कैनल आपका अपना चैनल। आई एम योर दोस्त एंड योर होस्ट सौरभ वर्मा फ्रॉम यूपी वाराणसी, एंड आई वेलकम यू ऑल इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज सौरभ डॉग कैनल। सो राइट नाउ वी हैव टू बुल मैस्टिफ पपीज। अभी हमारे पास दो बुल मैस्टिफ के बच्चे हैं और आप देख सकते हैं ये बड़े ही शरारती खूबसूरत। एक बच्चा बहुत ही नॉटी है, दूसरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा शर्मिला सीधा और प्यारा सा है। सो वी हैव टू मेल्स, एज यू कैन सी राइट नाउ दे आर 31 डेज ओल्ड। इनकी एज आज के दिन पे 31 दिन की हो चुकी है। तो अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ प्योर बुल मैस्टिफ। आप एक ओरिजिनल बुल मैस्टिफ की पहचान कैसे करेंगे, कौन कौन से लोग बुल मैस्टिफ रख सकते हैं, बुल मैस्टिफ रखने के क्या क्या तरीके होते हैं, और इन पपीज की क्या प्राइजेस होने वाली है, और ये किस क्वालिटी में जाने वाले हैं, इन बाकी विषयों पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बीच में स्किप कर करके देखेंगे तो कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको पपीज को दिखा देता हूँ। हियर आर द पपीज, प्रॉपर बल्की हेवी क्यूट। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, वी हैव टू शेड्स। लेफ्ट वाला जो पपी है वो थोड़ा सा लाइट डार्क शेड का है, राइट वाला जो पपी है वो थोड़ा सा लाइट शेड का है। तो हालांकि बहुत माइनर सा कलर है, आई डोंट थिंक कि आपको कैमरे में ये डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे, बट प्रॉपर आप देख सकते हैं बच्चों की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हर बार लोग कहते हैं कि भैया मुझे मदर का पहला पपी दीजिए, मुझे मदर का दूसरा पपी दीजिएगा, मुझे फर्स्ट टॉप 3 पपीज में से ही दीजिएगा। सो आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, ये अपने मम्मा पापा के इकलौते नहीं दो लौते बच्चे हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ही पपीज हुए थे, एंड बोथ आर मेल। वी डोंट हैव एनी फीमेल इन दिस लीटर। हमारे पास कोई भी फीमेल नहीं है इस लीटर में। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, आई कैन से अ शो क्वालिटी। जस्ट लुक एट हिज मजल, अमेजिंग मजल है इसका। पॉज की साइज बहुत अच्छी है, और ईयर्स जो है प्रॉपर आइडियल ईयर जो होते हैं एकदम गाल से लगे हुए सटे हुए। अब आप कैसे पहचानेंगे कि एक बुल मैस्टिफ है, नियोपोलिटन मैस्टिफ नहीं है, फ्रेंच मैस्टिफ नहीं है, या इंग्लिश मैस्टिफ नहीं है? तो सबसे पहली चीज़, नियोपोलिटन मैस्टिफ ग्रे कलर का होता है, या ब्लैक कलर का होता है, या ब्रिंडल कलर्स में होता है। फ्रेंच मैस्टिफ फॉन कलर या फिर कोका कोला कलर जिसको हम कहते हैं, डार्क कलर में होते हैं, ब्राउन, डार्क ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर में होते हैं, टैन कलर में। सबसे मेन जो कन्फ्यूजन होता है वो इंग्लिश मैस्टिफ और बुल मैस्टिफ में होता है। तो इंग्लिश मैस्टिफ का हेड साइज बुल मैस्टिफ के हेड साइज से थोड़ा सा छोटा होता है। अगर हेड का कंपेरिजन हम करेंगे तो हेड साइज बुल मैस्टिफ का बड़ा होता है। पूरे बॉडी स्ट्रक्चर का अगर हम कंपेरिजन करें तो बुल मैस्टिफ इंग्लिश मैस्टिफ से जरा सा छोटा होता है, यानी इंग्लिश मैस्टिफ थोड़ा बड़ा होता है, बल्कि होता है। इंग्लिश मैस्टिफ का जो आगे का मजल होता है, जिस जैसे आप इन बच्चों का देख रहे हैं, देखिए इसका ब्लैक है, इसका भी ब्लैक है, इंग्लिश मैस्टिफ का भी वैसा ही होता है। कुछ फर्क क्या होता है, इंग्लिश मैस्टिफ इस शेड में नहीं आता, वो या तो आपको डार्क टैन कलर वाले शेड में मिलेगा या फिर एकदम लाइटर शेड में मिलेगा। दूसरा, इंग्लिश मैस्टिफ की दुम बुल मैस्टिफ की दुम से ज़्यादा लंबी होती है और नीचे की ओर होती है, जबकि बुल मैस्टिफ की दुम काफ़ी मोटी होती है और इंग्लिश मैस्टिफ की दुम से छोटी होती है। अभी आप जो ये टेल मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बड़े होके प्रॉपर अच्छी खासी मोटी दुम हो जाएगी, और चाहे कोई सा भी मैस्टिफ हो उसकी टेल कभी रिंग नहीं करती लाइक दिस। अगर कोई भी मैस्टिफ आपको कोई भी ब्रीडर, कोई भी पेट शॉप ओनर या कोई भी वेटनेरियन भी आई कैन से अगर आपको सजेस्ट कर रहा है और उसकी दुम रिंग कर रही है और वो कह रहा है कि प्योर है पपी, बिल्कुल नहीं मानिएगा। एक कहावत है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, बट बुल मैस्टिफ के केसेस में ऐसा नहीं है, किसी भी मैस्टिफ के केसेस में ऐसा नहीं है। अब मैं जितनी बार भी इसकी दुम को टेढ़ी करूँगा ये अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगा, बिल्कुल सीधी दुम है।
मैं इस पपी को भी उठा के आपको दिखाता हूँ, जो कि इसका भाई है। ये आप देखो, प्रॉपर स्ट्रेट टेल, पहली पहचान। दूसरी पहचान, इनके कानों को आप जब ध्यान से देखेंगे तो कान बिल्कुल इनके चिक्स से, इनके गालों से लग करके आते हैं। अगर हल्का सा भी कान ऐसा है या ऐसा है या ऐसे है, बिल्कुल मत लीजिएगा, वो पपी प्योर नहीं है। कितना भी बेचने वाला आपको ये बोले कि डिवॉर्मिंग के बाद चीज़ें सही हो जाती हैं, बट दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो चीज़ें बचपन में सही नहीं हैं वो बड़े होके कभी सही नहीं होने वाली। तो कान कभी ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो, कान हमेशा चिपके होने चाहिए। कानों पे आप एकदम गौर से देखिएगा, आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगे औरों की क्वालिटी में, हमारे यहाँ की क्वालिटी में। बेसिकली ये नितिन भाई इसको लेकर के आए हैं, बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी लेकर के आए हैं। हम पेरेंट्स की वीडियो भी साथ में अटैच कर देंगे, सो दैट आपको प्रॉपर दिख जाए कि इन बच्चों के पेरेंट्स कौन है, मम्मा कैसी है, फादर कैसा है, राइट। दूसरा, प्योर बुल मैस्टिफ के पॉज जब आप ऐसे उठा के देखेंगे, मुझे पता है कैमरे में बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, ऐसे इनके पॉज के छाप ले लेंगे तो बहुत सुंदर। ये प्रॉपर पूरा ब्लैक दिखेगा, कहीं पे भी पिंक नहीं दिखेगा, कहीं पे भी वाइट नहीं दिखेगा, कहीं पे भी कोई और कलर नहीं दिखेगा। देखिए प्रॉपर पॉज है ना, तुम्हारे पॉज अच्छे हैं ना, इसके भी पॉज आप देखिए, ठीक है। बुल मैस्टिफ बेसिकली दो कलर्स में मिलते हैं, एक तो ये कलर है फॉन कलर जिसको आप देख रहे हैं, ब्रिंडल कलर में भी बुल मैस्टिफ आते हैं, इनके ऊपर ब्लैक धारियां होती हैं। वैसे भी बुल मैस्टिफ मिल जाते हैं, रेयर है, समटाइम्स ब्लैक भी देखने को मिल जाता है, बट इंडिया में अपने जो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम्स अगर हमें कोई कलर देखने को मिलता है तो वो ये कलर है, और ये क्वालिटी भी हमें काफ़ी कम देखने को मिलती है। सो हालांकि इनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि लॉकडाउन है और दो ही पपीज़ हुए हैं, जहाँ पे हुए हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि इन्हें 2-4-5-6 दिन में पपीज़ को अच्छी फैमिली में अडॉप्ट करवाना है, अच्छी फैमिली में सेल करना है, ताकि इनकी केयरिंग बहुत अच्छे से हो जाए। डिस्क्रिप्शन पे प्राइजेस दिए हुए हैं दोस्तों, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, नीचे दिए हुए कॉलिंग नंबर पे कॉल करके अपने पपी को बुक कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ दो ही पपी हैं तो अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो अभी कॉल कीजिए, हो सकता है आपके कॉल करते करते पपी कहीं और सेल हो जाए, क्योंकि हमारी वीडियोज जब शूट हो रही होती है तो उससे 2-4-5 दिन बाद डलती है, हो सकता है आप 4 दिन बाद देख रहे हैं। तो अगर आपको ये पपीज अच्छे लग रहे हो तो राइट नाउ कॉल कीजिएगा, सारे नंबर्स नीचे दिए हुए हैं कॉलिंग टीम के, हमारे कॉल सेंटर्स के, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और शेयर करते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। सेकंड चैनल भी हमारा स्टार्ट हो गया है, दैट इज व्लॉग इट सौरभ, स्पेलिंग है VLOGIT SPACE SAURABH, व्लॉग इट सौरभ। इसमें आप पर्सनल व्लॉगिंग, शॉपिंग, जिन जिन लोगों के साथ पर डे हमारी मीटिंग्स होती है, चाहे वो DM साहब हो, जजेस हो या मंत्रिमंडल की बैठक, वो सारी चीज़ें जो आपको न्यूज़ कवरेज नहीं देता, मेरा पर्सनल कैमरा देता है, वो बहुत मज़ा आएगा आपको उस चैनल पे। अनबॉक्सिंग की बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे, और ऐसे ही लाइक सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।